ਪਕਾ ਕੇ ਖਿਲਾਏਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋ ਜੀ ਹਲਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਚਲੋ ਮੱਛੀ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਸਭ ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ ਪੇ ਆਨਾ ਆਪਕੋ? ਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। क्या बात है, थैंक यू थैंक यू। आप मैचिंग बड़ी अच्छी करते हैं, ग्रेसफुल कोट या वेस्ट कोट आप सलवार कमीज के साथ मैच करके पहनते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं आपकी ओसम पर्सनालिटी। यकीन करें मैं बिल्कुल मैच नहीं करता, कुदरती बात हो जाती है। भाभी करती होंगी ना, भाभी कुदरती बात है। तो कपड़े भाभी नहीं देती आपको? हाँ वो ही देती, तो फिर भाभी मैच करती है ना। एक वेला आंदा है फिर वही, मुझे भी मेरी सारी चमक धमक के पीछे मेरी बेगम का हाथ है। और हर कामयाब शख्स के पीछे एक बेगम का हाथ होता है, हर नाकाम शख्स के पीछे भी बेगम का हाथ होता है। तो वो जरा हाथ इस तरह करके होता है ना, ये वाला इस तरह करके होता है शफकत का। कहते हैं ना बेगम जो होती है वो अंदर कुछ ही माँ होती है ना, बहुत ज्यादा केयरिंग होती है। क्यों नहीं, क्यों नहीं। तो आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया भट्ट साहब? मेरी शादी 91 चोई सी। 91 चोएगी तो ऑडियंस बट सब का ख्याल है साहब तुसी आपू लाओ ना शादी 91 चोई सी। 91 चोई सी। बच्चे कितने हैं आपके खैर से? बच्चे दो, बच्चे दो अच्छे, दो ही अच्छे हैं ना, बचत की है आपने। तो आपको बताते चले बट सब माशाल्लाह बच्चे दो ही अच्छे इस वक्त, हम भी दो, हम दो, हमारे दो। तो बट सब आप खावर प्रोडक्शन से कब से मुंसलिक हैं? खावर प्रोडक्शन से, खावर भाई से पूछ सकते हैं, मेरा ख्याल तानू नहीं पता। मैं 18 साल हो गए। क्यों खावर भाई? मतलब शादी दे लागे लगे ही है ना। हाँ 18 साल। पहली फिल्म आपने कब प्रोड्यूस की थी और कौन सी थी? पहली फिल्म मैंने बनवाई थी शराबी पार्ट 2। ला 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 शराबी पार्ट 3, ठीक है। तो कामयाब की? जी जी बिल्कुल। अच्छा आपका हीरो मुझे बड़ा अच्छा लगा ना, मैं जब भी कोई तोता देखना होता था येलो कलर का सूट और ग्रीन कलर का सूट, ही इज सच अ नाइस, उस मर्द की हिम्मत है जड़ा 2-piece सूट पीले रंग का पाए, कच्चे पीले रंग का। तो बहुत अच्छे एक्टर थे वो, पता नहीं आजकल कहाँ है, मैं उनको भी अपने प्रोग्राम का गेस्ट बुलाऊंगा या एज एन गेस्ट। आजकल वो देखेंगे तो माशाल्लाह उनकी इतनी नीली लंबी दाढ़ी है जी, माशाल्लाह। तबलीगी जमात लेते हाथे चढ़ गए? जी जी उनके हाथे चढ़ गए। चलो शुक्र, अब वो बनाएंगे शराबी 2 तो नहीं बनाएंगे, अब अल्लाह हू फिल्म बनाएंगे इंशाल्लाह वो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा उसके बाद आपने लाहौर से भी एक फिल्म प्रोड्यूस की थी वो? जी खबर भाई ने देखा था उसका प्रोमो। अच्छा प्रोमो देखा था? हाँ जी। क्या नाम था फिल्म का? राई द खड़ाक। राई द खड़ाक। वैसे वो असल में खड़ाक जो था नाजरीन वो भट्ट साहब का था, वो जाहिद भट्ट साहब का खड़ाक था, लेकिन फिल्म का नाम राही द खड़ाक था। और आप स्क्रीन पर भट्ट साहब के जो है ना चमकते हुए चेहरे के ऊपर ना दो नंबर हैं बड़े खूबसूरत से, तो आप इन पे कॉल करके भट्ट साहब से गपशप भी लगा सकते हैं, भट्ट साहब से सवाल कर सकते हैं, उनका जवाब भी देंगे। भट्ट साहब हमारे बड़े अच्छे प्रोड्यूसर हैं, बड़े अच्छे स्पॉन्सर हैं, और भट्ट साहब हमारे स्पेशल गेस्ट होंगे रमज़ान के प्रोग्राम में भी इंशाल्लाह, एक दिन हम भट्ट साहब के नाम करेंगे। और भट्ट साहब हमारा इरादा है मेरा और खावर भाई का कि कराची में बड़े बड़े शोज़ होते हैं उसमें लोग बैठ के अफ्तारियाँ करते हैं, तो मेरी तमन्ना है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी जो है ना ऐसा शो होना चाहिए जिसमें यहाँ के गरीब आवाम को अफ्तारियाँ कराएँ हम, उनको रक्षा तो ऐसी चीज़ें दें कि जिससे उन अच्छा रोज़गार उनका चल सके। जी जी क्यों तो, नहीं अच्छी बात है, तो ये करना चाहिए। आज फरमाइश करेंगे आपके, आपको गाना कौन सा जो है ना सुनाएं आज? मेरे गाने कैसे लगते हैं सच बताइएगा, इन्हीं के साथ बैठे हुए तो। सर जी गाने आपके बहुत अच्छे हैं पर बरल बर जो वो आप नात पढ़ते हैं ना, आए हाय हाय, तो बस आप वो ले जाते हैं आप हमें उधर मदीने ले जाता है ना। क्या बात है, ये भट्ट साहब के लिए मेरी तरफ से क्लैपिंग है, ज़बरदस्त दाद दी है इन्होंने कि नात में आपको एक मलिका हासिल है। तो ये आवाज़ में जो सोज़ और गुदाज़ और ख़ूबसूरती है ये बचपन से, भट्ट साहब हमें हमारी माओ ने ना लोरियाँ नहीं सुनाई हमें, जब अल्लाह हु किया जाता था गोद में सुलाया जाता था तो हमारी माँ ने नातें सुनाई हमें, इसलिए वो हमारी रूह में हमारे ब्लड में सर्कुलेट कर गई हैं नबी की नातें जो है ना। इसलिए फिर वो जो आपने नात एक पढ़ी थी 14 अगस्त नहीं नहीं 12 रबी लो 12 रबी लो बिल्कुल। हाँ हाँ माशाल्लाह। सलाम आप पर ताजदारे मदीना, वो नाज़िम हमें मदीने ही लेके चले। वो YouTube पे आप देख सकते हैं, भट्ट साहब मेरे साथ हैं YouTube पे, मेरा चैनल है AliZaib 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 सॉन्ग्स लिखेंगे मेरा चैनल आएगा, उसे डबल क्लिक करें सब्सक्राइब करें। उस पर खावर साहब के बहुत सारे शोज़ हैं
जो लाइव शो हैं रबी अव्वल के, वो भी यूट्यूब पे हैं। और बट साहब की इस साल की जो नात है वो मैंने बट साहब को डेडिकेट की है, और बट साहब बाकायदा रो रहे हैं दुआ में भी, आप देखें कि बड़े इन्वॉल्व हो के इन्होंने वो कवाली सुनी वहाँ। तो आप अगर ये कवाली सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब पे ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, विज़िट करें, और उसमें खावर साहब के ये सारे प्रोग्राम अपलोड होते हैं। ये जो इस वक्त लाइव आप देख रहे हैं, इसको आप रिपीट टेलीकास्ट में यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, खावर भाई के पेज पे भी आप दोबारा देख सकते हैं प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद। बट सब कुछ तमन्ना कोई ऐसी, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो कोई ऐसी ख्वाहिश आपकी जो अभी तक पूरी ना हुई हो, आप कहते हो ये हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र अल्लाह पाक, सारी पूरी हो गई। बस एक रहती है ख्वाहिश, वो वाली तो नहीं है जो इस्लाम में चार जायज़ हैं? नहीं सर। हाँ जी अली भाई, मेरी यही ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक इतना दे, मैं चाहता हूँ कि मस्जिद नबी की तर्ज में एक मस्जिद बनाना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या ख्वाब है आपका, माशाल्लाह। मेरी एक दिली ख्वाहिश। अब देखें हजरत बरी सरकार की दरबार को भी बिल्कुल नस्बत मदीना बना दिया, तो ऐसी मस्जिद अगर होगी तो क्या ही बात है। सर मैं पूरा पूरा सपोर्ट करूंगा आपको, मैं पूरी दुनिया में शोज करके आपको पैसे इकट्ठे करके। आप मेरे भाई हैं, आप तो करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह की तरफ से जब मर्जी होगी अल्लाह की तो स्टार्ट इंशाल्लाह, तो फिर गैब से मदद होगी इंशाल्लाह, इसकी गैब से मदद इंशाल्लाह। पहले तो उम्रे पे जाऊंगा आपके साथ इंशाल्लाह, दोनों भाई मदीने रोजे की जालियों के पास खड़े होके कहेंगे सलाम आप पर ताजदार मदीना, सलाम आप पर ताजदार मदीना, दुरूद आप पर शहरे यारे मदीना, सलाम आप पर ताजदारे मदीना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जी। जी तो नाज़रीन बट साहब के सर के ऊपर दो बड़े खूबसूरत नंबर हैं, आप इनमें हमें कॉल कर सकते हैं, बट साहब से गपशप लगा सकते हैं, अपनी फरमाइश का गाना सुन सकते हैं। अभी बट साहब की आमद पर हम खावर साहब की तरफ से एक बट साहब को गाना डेडिकेट करने जा रहे हैं, एक पाकिस्तानी गाना बड़ा खूबसूरत सा, आई स्पेशल डेडिकेट टू यू, और ये आपके लिए, और हमारा एक कैमरा मैन है। ठीक है, हर इंसान ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी से मिलता है, जैसे आप मुझे मिले, तो मैं ये अपनी तरफ से खावर भाई को भी डेडिकेट करूंगा, और हमारे सुहेल साहब हैं कैमरामैन हैं बड़े अच्छे, आज काले सूट बड़े पप्पू लग रहे हैं। तो आज हमें देखे नाज़रीन, हर इंसान आज है तो कल नहीं है, कोई हमेशा कहीं किसी एक जगह पे नहीं रहता, अल्लाह करे जब तक सांसें हैं ये प्रोग्राम चलता रहे। लेकिन कुछ लोग आज, इससे पहले कि मैं ये गाना सुनाऊँ, आज हाथ बांध के रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़िंदगी में अक्सर आप किसी से हसद करते हैं तो टूने टोटके करने शुरू कर देते हैं, काला इन करना शुरू कर देते हैं, वो बरहक नहीं है लेकिन असर करता है। आप हमेशा याद रखिएगा ये अलीज़ीब की दिल की दुआ है जो मैंने लाइकी और टिकटॉक पे भी शेयर की है आपसे, कि अगर आप हसद में आकर उसकी बुराइयां करते हैं माशरे में, यार वो बंदा ठीक नहीं है ठीक नहीं, सामने उसके घुटनों को हाथ लगाते हैं तो ये मुनाफ़त है। अली भाई आप बहुत सीनियर हैं, बहुत माशाल्लाह आपकी आवाज़, आप बड़ा अच्छा गाते हैं, पीठ पीछे जो आप बुराई करते हैं वो थ्रू प्रॉपर चैनल आप तक किसी न किसी तरीके उस बंदे तक पहुंच जाती है। तो गीबत एक ऐसा गुनाह है जो जब तक वो बंदा खुद नहीं माफ़ करेगा आप जन्नत में नहीं जा सकते, अल्लाह ताला कहेगा पहले उससे माफ़ी मांगो, मैं नहीं माफ़ करूंगा आपको। तो इसलिए प्लीज़ अगर आप गीबत करके किसी का बेड़ा गर्क करते हैं, उसकी दुनिया तबाह कर देते हैं, आप कर दी दुनिया तबाह, लेकिन याद रखें कि आप अपनी आखिरत तबाह कर देते हैं। तो अपनी आखिरत को तबाह ना करें। मैं अपनी सेहत के लिए दुआ भी चाहूँगा कि अल्लाह ताला मुझे सेहत तंदुरुस्ती दे और मैं हमेशा आपकी खिदमत करूँ। तो मेरा बचपन का फेवरेट गाना है, आपको डेडिकेट कर रहा हूँ, खावर साहब को और सुहेल आपको, और स्पेशली शाहिद साहब आपके लिए है ये गाना, इट्स माय मोस्ट फेवरेट मेहदी हसन साहब का खूबसूरत गीत है। अल्लाह हम सबको एक साथ रखे, हम हमेशा एक साथ रहे, लेकिन अल्लाह ना करे कभी बिछड़े तो फिर आप ये गाना ज़रूर याद रखिएगा। मुझे फीडबैक भी दीजिएगा कॉल करके कि आपको ये गाना कैसा लगा। जी 1 2 3 4। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस
किताबों में मिले, अब के हम बिछड़े तो शायद। ढूंढे उजड़े हुए लोगों में वफा की मोती, ढूंढे उजड़े हुए लोगों में वफा की मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों। इश्क फरिश्तों जैसा तू खुदा है ना मेरा, इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान है तो फिर क्यों इतने ही जाबों ने मिले, अब के हम बिछड़े थैंक यू सुहेल, थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। कैसा लगा आपको ये गाना? कुछ सही गाया? मैं गाना बहुत अच्छा जी, थैंक यू सो मच। तो हमें फीडबैक दीजिए, हमें कॉल करके हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा। एंड आई स्पेशल डेडिकेट टू खावर अज़ीम, उनकी पूरी टीम को, उनके पूरे स्टाफ को, और जो लोग इस वक्त फेसबुक पे बैठे मुझे देख रहे हैं इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत भरी दुआओं के साथ आप सबको ये गाना डेडिकेट किया। तो जी कॉलर है जी, तो हमारे साथ कॉलर है। कॉल आई थी और ड्रॉप हो गई। हसरत उन गुंचों पे, हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए। आप हमारे साथ जो भी कॉलर थे आप दोबारा ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपकी कॉल ज़रूर मिलेगी। आपकी खूबसूरत और मधुर आवाज़ हमारे प्रोग्राम में जगमगाए, हमें अच्छा लगेगा, तो आप प्लीज़ हमें दोबारा ट्राई कीजिए। अभी हमारे साथ कॉलर थे और इतनी देर में कि मशीनरी होती है जो टेलीफोन सेट के साथ हम उसको लीड को पुटअप करते हैं, इनअप करते हैं, तो उसके बाद फिर वो वोकल पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ फेसबुक है वो हमें देखा जाता है। इस वक्त मैजिक मशीन के साथ तीन तीन कैमरे होते हैं, आपने देखा ठग से, कभी भट्ट साहब और कभी मैं, कभी मैं कले हुई, तो कभी अकेला ही मैं आपके सामने हो जाता हूँ, कभी भट्ट साहब भी साथ होते हैं। तो इससे पहले कि मैं अगला गाना आपकी खिदमत में पेश करूँ, भट्ट साहब आप मुझे ये बताएं कि शादी आपकी लव मैरिज हुई थी या अरेंज? अरेंज। तो भाभी को पहले देखा था शादी से पहले कभी? जी क्यों नहीं, बिरादरी में थे। अच्छा, बिरादरी में किए हैं, ठीक हो गया, ठीक हो गया। बट साहब आप गपशप जारी रखें। जी जी क्यों नहीं, क्यों। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि मेरा प्रोग्राम आप कब से देख रहे हैं? ठीक है, पिछले मेरा ख्याल कोई 4-5 प्रोग्राम देख रहा हूं। माशाल्लाह, और आज छठा है, इसका मतलब आपने एक ही प्रोग्राम मिस किया है मेरा ना, एक प्रोग्राम मिस किया, पहले वाला फर्स्ट जो था ना आपका। अच्छा, वही प्रोग्राम मिस हुआ है मेरा, मिस हुआ, अदरवाइज आप रेगुलर हैं। मेरे प्रोग्राम की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? आपके प्रोग्राम की जो बात है, जो आपसे, आप दिल से गाते हैं, क्या ये मैंने देखा है कि आपकी नात हो, गाना हो, जो भी हो, लवली, बहुत आप दिल से लेते हैं उसको, सुर को आप दिल से लेते हैं, क्या बात है। और यही वजह है कि लोग भी मुझे दिल से कॉल करते हैं। देखा कॉलर्स भी माशाल्लाह इतने ज़्यादा होते हैं कि बाद दफ़ा गाने के दौरान हमें कॉल ड्रॉप करनी पड़ती है, हमें अच्छा नहीं लगता किसी की कॉल ड्रॉप करें। तो नाज़रीन, इस वक्त भट्ट साहब के ऊपर बहुत खूबसूरत दो नंबर हैं, दो खूबसूरत लोगों के, तो आप इन नंबर पर हमें कॉल करके लाइव कॉल में आप शामिल हो सकते हैं। जी तो ये सिलसिला है मोहब्बतों और चाहतों का। जी भट्ट साहब से क्या कहना? ठीक ठीक है,
ठीक है, थैंक यू सो मच। बस लोग इंजॉय कर रहे हैं तो हम जारी रखेंगे इसको इंशाल्लाह। बट साहब आए हैं तो खावर साहब ने आज स्पेशल कहा है कि जो नाज़रीन आपको देख रहे हैं उनके लिए खावर साहब ने अपनी मोहब्बत का नजराना दिया है कि आप प्रोग्राम को आप बेशक थोड़ा सा बढ़ा भी लें, क्योंकि बट साहब जैसी शख्सियत आई है तो आज आपकी मर्जी के गाने भी तो चलने हैं ना। ये तो खावर भाई अजीम आदमी है माशाल्लाह, काम के अजीम, नाम के भी अजीम है माशाल्लाह। बट सब से तो भी हम गाना सुनने वाले हैं। अच्छा बट सब खावर भाई से गाना सुनूंगा एक कल वाला, वो आएंगे उनसे भी सुनते हैं इंशाल्लाह, लेकिन अभी फिलहाल आप हमें सुनाएं। थैंक यू, शायद जीते रहो। शाहिद भोला साहब भी हमें खुदा हाफिज कर गए, इंशाल्लाह एक प्रोग्राम में बाकायदा हम उन्हें बुलाएंगे अपने साथ। शाहिद भोला साहब को तो स्टूडियो से तो जा चुके हैं, हमारे दिल से नहीं जा सकते। आंख से दूर से ही दिल से कहां जाएगा, आंख से दूर से ही दिल से कहां जाएगा, जाने वाले तू हमें याद बहुत आएगा। बिल्कुल, तो आप अच्छा कुछ ना कुछ तो बट साहब आज गुनगुना ही देनी, तो मैं सोहेल साहब से गाना सुन लूंगा आप मुझे। नहीं नहीं, मेरा गाना सहेल भाई या खावर भाई सुनाएंगे बस, क्योंकि मैंने कभी गाया ही नहीं। अच्छा बट साहब हर इंसान की जिंदगी का एक ऐसा लम्हा होता है कि जो बंदा कभी नहीं भूल सकता ना, तो आप कैमरा बिल्कुल बट साहब पे रखिएगा, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, बट साहब पे क्लोज में रखिए, क्योंकि मैंने ना सोहेल साहब दोनों पे हाँ कुछ और ऊंचा करना थोड़ा सा ना, ठीक है? तो जी व्हाट्सएप पे रखें, व्हाट्सएप पे कैमरा रखें। बट साहब आप हमें ये बताएंगे आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा यादगार वाक़या जो कभी ना भूले, ऐसा होता है हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या जिसको आप कभी ना भूले हो। मुझे तो इस तरह का यही वाक़या याद है, शराबी फिल्म जो बनाई थी हमने उसके कुछ सीन थे जो अच्छा, हम भूल नहीं सकते। अच्छा मसलन वो क्या सीन थे हमारे साथ शेयर करें ना। मसलन हमने एक गाना किया था ये कमर्शियल मार्केट में। अच्छा कमर्शियल मार्केट में ओपन किया? वो नहीं, वो ओपन नहीं था, वो सामने शादी हाल था, नादर शादी हाल था। अच्छा नादर शादी हाल में किया था, वो पहले सिनेमा था ना, फिर उसके बाद वो शादी हाल बना, उस वक्त किया था आपने कि वो गाना तो नहीं था जिसमें घुंघरू बजा के वो मुझे न लखा मंगा दे रे ऐसा टाइप का था, है ना? वही था उसका बट साहब ने भूल गया पर मेनू याद हो है क्योंकि हाल में नहीं उसका सीन था, वो उसका था इंतहा हो गई मेरे इंतजार की आई ना, तो वो सीढ़ियों से जब आती थी ना नीचे वो सीन लेना था हमने। अच्छा वो सीढ़ियों से आई नहीं रही थी नीचे? सर सीढ़ियों से आ रही थी, वो सीन इस तरह का खबर भाई बना रहे थे ना। अच्छा एक्चुअल वो सीन लग रहा था उसी फिल्म का। ओए होए होए खबर भाई, राउंड सीढ़ियां थी उसी तरह गेटअप सब का। लड़की कौन थी खुशनसीब? खुशनसीब अल्लाह पाक उसको जन्नत बख्शे, अब तो वो फोत हो गई है। बिल्कुल लड़की थी वो। लड़की फोत हो गई है वो? हाँ लड़की फोत हो गई, वो हीरो आप सुना होगा माया खान। हाँ हाँ वो फोत हो गई है जी, माया खान और उसकी वालदा जो है ना दोनों फोत हो गए हैं, वो उनका कोई पता चला था कुछ पहले एक्सीडेंट। आबिद साहब थे हमारे कराची के बड़े अच्छे, लाहौर के आर्टिस्ट, लाहौर के थे। बट साहब हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे भी गपशप लगा लें। जी जी लें लें क्यों नहीं। जी हमारे साथ कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हमारे साथ कॉलर हैं, आपको कहां से? अलीज़ाइब भाई कैसे हैं आप? सर मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? क्या खा रहे हैं केले केले? मैं दाल बात कर रहा हूँ। अच्छा आपकी आवाज ब्रेक होके आ रही है जरा, फोन सेट ठीक कीजिए या आप फेसबुक पे जिस पे हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उससे थोड़ा दूर हो जाएं ताकि आप हमसे बेहतर तरीके से बात कर सकें। जी कौन कहाँ से, आप कौन सा बात कर रहे हैं? बिलाल बात कर रहा हूँ आजाद कश्मीर से। हेलो हेलो, हाँ मैं बिलाल बात कर रहा हूँ आजाद कश्मीर से। कट गई, हाँ कट गई कॉल कट गई जी। दोबारा चलें, आप दोबारा ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, आपका नाम भी नहीं जान सके और आपकी फ़ोन हाँ कॉल कट गई। अच्छा बट साहब अच्छा फिर क्या हुआ, वो सीढ़ियों वाला सीन कंप्लीट हो गया आपका? सर जी वो सीढ़ियों वाला सीन ऐसा था कि रात को तकरीबन 9 बजे शुरू किया था तो सुबह जाने बीच में ही हो गई थी उसके शो, सीढ़ियों के नीचे आने वाले सीन, सीढ़ियों में आगे फिर उसने वो कुछ चंद बोल थे उसके, लो मैं आ गई सजना, यही था लो मैं आ गई, इसी तरह था यही था। और उसके बाद गिटार बजनी,
तेरे लिए आए हूँ के बड़े बड़े नजराने तेरे लिए लाए हूँ मैं दिल मेरा। बिल्कुल बिल्कुल, उसी तरह गिटार थी, उसी तरह ड्रमिंग थी, सारी चीज। तो सारी फकी तो आपको आई होगी, प्रोड्यूसर तो आप हैं, उसी तरह की गिटार, उसी तरह की सारी चीजों के लिए। हाँ जी, वो तो रेंट पे किया था उस सब चीजों का। अच्छा। हाँ जी, रेंट पे किया था उसका मैंने। माशाल्लाह, अच्छी खासी, इसका मतलब महंगी तरीन फिल्म थी जो पार्ट टू बनाने वाली थी। वो पता नहीं लोटे ले आए थे कुछ 3 दर्जन के, 2.5 दर्जन लोटे भी लाए थे आप। अच्छा, वो जो सब पैक बना के ओरिजिनल फिल्म में शराब पीते हैं वो सब उसमें लोटों में पीते थे। क्या बात है। आपको पता है बट साहब, मैं चाह रहा हूँ आपके जरिए ऑडियंस को पता चले कि आपकी फिल्म एक मकाम पे आके रुक गई थी कि डबिंग कुछ नए आर्टिस्ट थे वो डब नहीं ठीक कर रहे थे, तो आपको पता है उस डबिंग का मसला किसने हल किया था? जी आपने किया था। नाज़रीन, आज मेरी ख्वाहिश है मैं इनसे वो फिल्म लेकर अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ, तो आप उस फिल्म में देखेंगे कि मैंने 13 करेक्टर, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 13 करेक्टर इसी तरह यही बात, डिफरेंट आवाज दे के। जैसे मैंने देखा कि एक किराने की दुकान है, उसमें चाचा जी बैठा है, तो चाचा कह रहा ओए की करें ओए, और साथ ही लड़के की भी आवाज दूसरी थी, ओए की करें, चाचा जी कुछ नहीं करें, मैं तो इतने साइकिल ठीक करने आया था। तीसरा करेक्टर आ गया, अरे क्या बात है मियाँ, क्या हो रहा है यहाँ। तो इस तरह की बहुत सारी आवाजें डब करने का, उस फिल्म में मैं नहीं था लेकिन मेरी फिल्म में आवाज थी, आवाजें थी मेरी बहुत सारी। जी जी, एक नहीं काफी पे। तो मुझे बड़ा मजा आया, एक्चुअली वो मेरे काम आया इस तरह से कि खाना फरहंग है हमारे ईरान एम्बेसी, तो जो तुर्किश और इराकी फिल्में ये लोग आज डब करें, मैंने उस वक्त किए जब मैं 8वीं 9वीं में पढ़ता था, 8वीं क्लास में था, उस वक्त से अल्हम्दुलिल्लाह मैं ईरान इराक की फिल्मों की एज एन डबिंग एक्टर मैं डब फिल्में करता रहता हूँ। नाज़रीन, ये आपके लिए भी आज स्पेशल बात है आपके लिए कि अली भाई की आवाज़ बहुत सारी फिल्मों में, बहुत सारे ऐड हैं यूट्यूब पर मेरे चैनल पर मौजूद हैं जिनमें वॉइस ओवर जो है ना वो मेरा है, और बड़े बड़े चैनल्स की, इवन के हरिपुर हज़ारा के केबल पर एक दिन बड़ा मज़ा आया, एक गुजरांवाला के गुजरात शहर में थे कि सलमा पे कोई प्रोग्राम था, हम गए तो वहाँ जो ऐड चला तो उसमें वॉइस ओवर मेरी थी और मैं करके भूल गया था। मैंने कहा इस लड़के की आवाज़ मुझसे बहुत ज़्यादा मिलती, उसने कहा अली भाई ये आप ही की आवाज़ है, तुम याद नहीं। तो बड़े बड़े यादगार वाक़यात होते हैं। अच्छा, वो अल्लाह जन्नत नसीब करे, डांस में मेरी स्टूडेंट थी माया ना, उसने डांस की बाकायदा तरबियत मेरे इंस्टीट्यूट से ली, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, और उसकी वालदा माजदा मुझे अपने घर बुलाती थी कि मेरी बेटी को आपने यहाँ आन के डांस की क्लास लेनी है। तो उनके जो वालिद मोहतरम थे, आपको पता उनका इंतकाल कहाँ हुआ था? बरी सरकार के दरवाजे पे। अच्छा अच्छा। उनका दिल खफा हुआ आबिद साहब का, तो कहते हैं कि मैं बस जा रहा हूँ, तो बरी सरकार के गेट पर उन्होंने पहले वहाँ सजदा रेज हुए, नवाफिल पढ़े, फिर सूरह यासीन पढ़ी, वहाँ तलावत की, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ने के बाद टेक लगाई, तो किसी शख्स ने कहा कि ये बंदा तो काफ़ी देर से टेक लगाए हुए खड़ा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है, तो उन्हें हिलाया तो ख़त्म हो चुके थे। अल्लाह की यही मर्ज़ी। तो अक्सर देखिए लोग कहते हैं जी फनकार हैं, जैसे मैडम नूर जहाँ, आज का प्रोग्राम मैंने मैडम नूर जहाँ के नाम की है, लोग कहते हैं जी मैडम नूर जहाँ ये है, ये शादियाँ की, वो बातें फजूल की करते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें शबे मेराज की रात जो थी 27वीं रमज़ान को उनकी रहलत हुई और मुबारक रातों में उनकी तदफीन हुई। तो आप कभी भी किसी को बुरा भला कहने से पहले ये सोचें, क्या पता वो अल्लाह के नज़दीक कितना मोतबर होगा, कोई शक। तो ऐसा ही खूबसूरत सा गाना उन मोतबर लोगों के नाम, मैडम नूरजहां का खूबसूरत गाना मैं आपकी, और अब तक जो फेसबुक पर हमें देख रहे हैं और कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, खुर्शीद अब्बासी द ग्रेट, यार खुर्शीद अब्बासी साहब की क्या बात है। अभी हाल ही में इन्होंने कश्मीर में एक बहुत बड़ा शो करवाया, तो कश्मीर एक्सपो ना, तो माशाल्लाह ये बंदा खरा आदमी है, जब भी पेमेंट्स की बात हो सबसे पहले अली भाई हेलो, पहले पैसे पकड़ो फिर मेरा शो करना। तो मेरी बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला इनके बच्चे को सेहत दे जो अभी हाल ही में बीमार था आपने। ये वाहिद नौजवान है नाजरीन खुर्शीद साहब कि दिन रात मेहनत करके आगे बढ़ने वाला सेल्फ मेड आदमी है। तो मैं अगला गाना जो है ना खुर्शीद साहब के नाम करना चाह रहा हूँ, और नासिर अदीब साहब हमें कॉल नहीं कर रहे इसलिए मैंने उनका नाम नहीं लिया था, लेकिन ले लिया। तो मैं ये अगला गाना जो है ये नासिर अदीब साहब को और खुर्शीद साहब को, जो कश्मीर एक्सपो के जो है ना प्रोड्यूसर भी थे, उसके अलावा कश्मीर मार्केटिंग के नाम से, मैं बग़ैर स्पॉन्सर्स के खुर्शीद भाई
ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸਪੋਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕੇ ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਫਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਆਪਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਐਕਸਪੋ ਕਾ ਮੁਜ਼ਫਰਾਬਾਦ ਮੇਂ ਇਨਕਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਦਾਰਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮੇ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਵੋ ਇਨਕੋ ਹਾਇਰ ਕਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਐਜ਼ ਇਨ ਕੰਪੇਅਰ ਔਰ ਐਜ਼ ਇਨ ਸਿੰਗਰ ਨਾ ਤੋ ਇਤਨਾ ਤੋ ਬਣਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰ ਹੀ ਦੂੰ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਭਾਈ ਆਪ ਹਮੇਂ ਕਾਲ ਕੀਜੀਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣੀਏ ਅਭੀ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਕੋ ਔਰ ਨਾਸਿਰ ਅਦੀਬ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਯੇ ਵਾਹਿਦ ਪਠਾਨ ਬੰਦਾ ਜੋ ਵਾਹਿਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਜਿਸਕੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਤੋ ਮੁਝੇ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਾਰੇ ਯਹਾਂ ਅੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਮਾਸ਼ਰਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਮਾਰਾ ਨਾ ਅੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੋਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਤੋ ਯੇ ਸੌਂਗ ਹਮ ਨਾਸਿਰ ਅਦੀਬ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਔਰ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਕੇ ਲੀ ਹੈ ਆਪਕੇ ਭਾਈ ਕੇ ਲੀਏ ਵੀ ਆਪਕੇ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਆ ਥਾ ਯੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੋਂ ਕਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾ ਕਰੇਂ ਆਪ ਸਭ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵੀਵਰਸ ਹੈ ਤੋ ਕਭੀ ਕਿਸੀ ਕਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਨਾ ਚਾਹੀਏ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਕਿਆ ਪਤਾ ਕਿਸੀ ਕੀ ਆਹ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਜੋ ਜਿਨ ਜਿਨ ਕੋ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੂੰ ਉਨਕੇ ਲੀਏ ਤੋ ਲੇਕਿਨ ਇਨਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਯੇ ਗਾਣਾ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਨਾਸਿਰ ਅਦੀਬ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਲੀਏ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਲੀਏ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਲੀਏ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਸੱਚ ਅ ਨਾਈਸ ਯੰਗ ਮੈਨ ਅੱਛਾ ਜਿਤਨਾ ਵਕਤ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਸਭ ਕੇ ਲੀਏ ਤੋ ਯੇ ਗਾਣਾ ਯੇ ਵੀ ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਯੇ ਮਰੀ ਮੈਂ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਕੀਆ ਥਾ ਮੈਨੇ ਮੇਰੀ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਹੈ ਤੋ ਯੂਟਿਊਬ ਪੇ ਆਪ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇਂ ਯੇ ਗਾਣਾ ਉਸ ਪੇ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੈਡੀਕੇਟ ਟੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਾਸਿਰ ਅਦੀਬ ਔਰ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਕੋ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਆਪਕੋ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਕਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹਮੇਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ ਆਪਕੋ ਫਿਰ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਗਾਣਾ ਅੱਛਾ ਲਗੇ ਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੈਡੀਕੇਟ ਟੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅਬਾਸੀ ਨਾਸਿਰ ਅਦੀਬ ਆਈਏ ਮਰੀ ਕੀ ਬਰਫ ਵਾਲੀ ਫਿਜ਼ਾਓਂ ਮੇਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲਤਾ ਹੂੰ ਠੀਕ ਥਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਭੀ ਤੋ ਤੁਮਕੋ ਯਾਦ ਆਏਗੀ ਯੇ ਬਹਾਰੇ ਸਮਾਂ ਝੁਕੇ ਝੁਕੇ ਬਾਦਲੋਂ ਕੇ ਨੀਚੇ ਮਿਲੇ ਥੇ ਹਮ ਤੁਮ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਕਭੀ ਤੋ ਤੁਮਕੋ ਯਾਦ ਆਈ ਜਿਤਨਾ ਤੁਮਕੋ ਆਪਣਾ ਸਮਝਾ ਉਤਨੇ ਹੀ ਤੁਮ ਬੇਗਾਨੇ ਥੇ ਹਮਨੇ ਕਿਆ ਕਿਆ ਆਸ ਲਗਾਈ ਹਮ ਕਿਤਨੇ ਦੀਵਾਨੇ ਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਤਨੀ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੁਮਨੇ ਅਭੀ ਤੋ ਮੁਝਸੇ ਕਹਾ ਥਾ ਤੁਮਸੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਹਾਂ ਗਈ ਵੋ ਪਿਆਰ ਕੀ ਕਸਮੇ ਪਿਆਰ ਕਾ ਵਾਦਾ ਕਿਆ ਹੁਆ ਬੇਵਫਾ ਬੇਵਫਾ ਕਭੀ ਤੋ ਤੁਮਕੋ ਯਾਦ ਆਏਗੀ ਬਹਾਰੇ ਸਮਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਐਕਸਪੋ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਭਾਈ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਸਿਰਫ ਆਪਕੇ ਲਈ ਨਾਸਿਰ ਅਦੀਬ ਜੀ ਆਪਕੇ ਲਈ ਔਰ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਕੇ ਲਈ ਤੁਮਸੇ ਬਿਛੜੇ
सदियां बीती आज भी तुम याद आते हो, साया बन के आहट बन के आज भी तुम तड़पाते हो। जिंदगी कितनी बेताब है तुमने अभी तो मुझसे कहा था तुमसे प्यार है, कहाँ गई वो प्यार की रस्में, प्यार का वादा क्या हुआ, बेवफा बेवफा। कभी तो तुमको याद आएंगी ये बहारे समा, आहा मुझे पता है खुर्शीद अब्बासी साहब भी क्लैपिंग करें, नासिर अदीब भी, और बाकी लोग जो मुझे देख रहे हैं वो भी हमारे साथ। एबटाबाद दे पाजी दी कॉल आई है, बावसुख जराय से पता चला है कि एबटाबाद से हमारे साथ कॉल है रही। जी अस्सलाम वालेकुम, हेलो जी, हमारे साथ एबटाबाद से कॉलर हैं, एबटाबाद की ठंडी और हसीन फिजाओं से हमारे साथ कॉलर हैं, देखते हैं कि वो कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम, एबटाबाद से आरिफ साहब की कॉल थी, जो बड़े अच्छे नात खवान, बड़े अच्छे कारी, बड़े अच्छे डफ नवाज हैं, उनकी कॉल थी तो ड्रॉप होगी, अभी देखते हैं शायद दोबारा मिल जाए, मिल गई शायद। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बल्कि आप देख के बताएं कैसा हूँ मैं, ठीक लग रहा हूँ? माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं अली भाई, हम बेवफा नहीं है जी, आप बेवफाई वाला गाना मार जी मैं गाना। नासिर अदीब है ना? अरे भाई हैं जी, नासिर अदीब बात कर रहा हूँ जी, मैंने सही पहचाना ना, नासिर हैं आप, नासिर कैसे हैं आप? नहीं ये मैंने इसलिए, आपने सही पहचाना अली भाई, नासिर अदीब है ना आप? जी जी नासिर अदीब ही हूं अली भाई, हाँ मैंने सही पे। अच्छा पता है क्या, जो हमारे कॉल पे ना असद साहब बैठे हैं, वो कहते हैं कि एबटाबाद से ना ये अरे भाई, मैंने कहा नहीं है नासिर अदीब है, असद को ना नहीं बताया मैंने, असद से बात नहीं की। अच्छा लेकिन देख लें कि मैंने आपकी आवाज को पहचान लिया, भाई से पता करूं कि पहचान रहे सर। इस साल रबी लवल पे आपको बहुत मिस किया मैंने, इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट रखे थे अपनी भतीजियों के लिए कि मैं उनको जो है ना, अपने भांजियां भतीजे जो है उनको मैं गिफ्ट करूंगा, और आप मुझे मिले ही नहीं। आप हर बुध को मेरा प्रोग्राम देखा करेंगे इसी तरह पूरा लाइव, और अपने दोस्तों से भी लिंक शेयर करें, दोस्तों को भी जब ये प्रोग्राम फेसबुक पे होता है तो आप उसका भी लिंक शेयर करें, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ नासिर भाई हम आपको भी एज एन गेस्ट बुलाएं, आप अपने बच्चों समेत आए, मेरा इरादा है कि हम स्पॉन्सरशिप के साथ इस दफ़ा रमज़ान पे लाइव नशरियात करें, तो कराची लाहौर मुल्तान वहाँ बहुत बड़े बड़े शोज़ होते हैं, लोग अफ्तारियाँ करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि पिंडी के लोगों के लिए मैं प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करूँ, मेरी सेहत के लिए बहुत सारी दुआएँ करनी है, आजकल काफ़ी तबीयत में गड़बड़ चल रही है, लेकिन फिर भी फ्रेश होकर आपके सामने बैठ जाता हूँ, इसलिए कि आप लोग जो इतना प्यार देते हैं, आपके प्यार के लिए मुझे बैठना पड़ता है यहाँ। जरूर भाई, आपकी ये मोहब्बतें चाहते मेरा सरमाया है। और नासिर भाई मैं तो जब जब अपने स्टूडियो को देखता हूँ आपको बहुत याद करता हूँ, आपकी मोहब्बतों को याद करता हूँ, आपका ढेर सारा प्यार है, और आपको आज मैं आप जब भी वादा करते हैं ना किसी का तो फिर नहीं आते, मैं आज लाइव शो में हाथ बांध के कह रहा हूँ मुझे कैमरा नहीं चाहिए, मुझे आपका चेहरा चाहिए, आप आए अपना प्यारा सा चेहरा लेके, आप प्लीज आए, मैं पता क्या इससे पहले कि आपके खूबसूरत नैन नक्श मुझे भूल जाए तो आप स्टूडियो जरूर चक्कर लगाएं। तो अब्बासी साहब, खुर्शीद अब्बासी साहब की तो कॉल नहीं है, गाना आप दोनों को डेडिकेट किया था, लेकिन आपकी कॉल आ गई तो बहुत अच्छा लगा नासिर अदीब, आपने यासिर खान साहब हैं उनको भी मेरी तरफ से, और जितने आपके इलाके में वहाँ हज़ारा कॉलोनी में जितने लोग हैं, स्पेशली सुल्तान साहब, सुल्तान महमूद साहब जो हैं आपके जो इलाके की बड़ी प्यारी पर्सनैलिटी, उनके शोज़ में भी मैं गया था, बड़ा प्यारा सा नाम है उनका, पूरा नाम क्या है उनका?
और सुनाएं अली भाई, चले इंशाल्लाह आपसे रहता रहेगा, कल मैं और इन टच रहेगा, प्लान करते हैं आपकी तरफ आने का। जरूर जरूर। गाना कैसा लगा जो आपको डेडिकेट किया? वो जबरदस्त, वो मैं बेवफा नहीं हूँ अली भाई। आपने मुझे ना टिकटॉक पे और लाइकी पे भी शेयर करना है, क्योंकि मैं ये पीस काट के ना लाइकी पे भी दूंगा आज रात को और टिकटॉक पे भी, ताकि पूरी दुनिया नासिर अदीब की आवाज सुने। तो इसी तरह खुर्शीद अब्बासी साहब की भी जब कॉल आएगी तो थैंक यू सो मच। तो आपने टिकटॉक पे भी मुझे फॉलो करना है और लाइक करने हैं सारे, और लाइकी पे भी, क्योंकि मेरा ये मिशन है कि हम टिकटॉक लाइकी पे सरवरे को नैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को आला अफजल करें, ज़्यादा से ज़्यादा नाते और ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद करें, ये मेरी तमन्ना है। तो इसलिए लाइकी पे एक हजूम बना के पहले गाने शाने करते हैं, इकट्ठा करते हैं ग्रुप, जब सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर हम आकाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दिन रखेंगे, हर पीर को हम टिकटॉक और लाइकी पे सरवरे कुरान की शान बयान किया करेंगे, ठीक है? ये मेरा मिशन है। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का, थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच, लाइव कह दिया आपको, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पूरा प्रोग्राम देखना, एंड पे आपको गाना भी डेडिकेट करेंगे जी भट्ट साहब, देख ले लोगों की मोहब्बतें कि कितना प्यार करते हैं। कभी कभी तो मैं रोता हूँ, मैं कहता हूँ या अल्लाह मुझे 100 साल से ज़्यादा ज़िंदगी दो, ताकि मैं इन लोगों से प्यार भरे लम्हात ज़्यादा से ज़्यादा गुजार दूँ। मौत बरहक है, एक ना एक दिन आनी आनी है, लेकिन डर मौत का नहीं होता, अपने प्यारों से बिछड़ने का होता है कि फिर कभी मिलना ही नहीं होता। ये आखिरी सफ़र होता है बंदे का, उसके बाद कभी भी एक दूसरे से नहीं मिल सकता, इसीलिए ये सफ़र जो है ना, ये इसकी तैयारी भी करनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए और सबसे प्यार करना चाहिए, जो बंदे कहते हैं ना सब जी, के लिए दुआएं करनी चाहिए। और मैं आज फलां से जी हूं, मैं फलां से हसद भी हसद नहीं, देखिए बट मुझे अच्छा नहीं लगता, मेहनत करके ना आपको अच्छा नहीं लगता, तो ताड़ी मर्जी भाई, उन्होंने तो अल्लाह ने पैदा किया, अच्छा पैदा किया। तो अगर आप किसी की तारीफ़ नहीं कर सकते तो उसकी बुराई भी ना करें। मैं याद कर रहा हूँ बड़ा नदीम हैदर साहब को, डीजे साहब अगर मिलवाएंगे इंशाल्लाह, तो नदीम हैदर साहब मीरपुर खास से कॉल आती थी, वो रैप्टाबाद से भी कॉल नहीं आई, तो इंशाल्लाह डीजे कुछ करें कि इससे पहले कि हम अगला गाना डेडिकेट करें आपको, मैं नदीम हैदर साहब मीरपुर खास से, मुश्ताक साहब आपकी कॉल का मुंतज़िर हूँ, आपकी कॉल्स नहीं आई अभी तक, अगर आप प्रोग्राम देख रहे हैं तो हमें कॉल करें, नहीं तो डीजे आपसे रब्ता करके रिमाइंडर दे देता आपको कि हमारा शो जो है ना लाइव, क्योंकि कुछ कॉलर ऐसे हैं कि मेरा दिल चाहता है कि वो कॉल करें, और ये हमारे रेगुलर कॉलर्स हैं, जैसे आरिफ भट्टी साहब की कॉल आई और आरिफ साहब की आई एबटाबाद से, वो कट गई, तो नदीम हैदर साहब और मीरपुर खास से अल्ताफ से हैं भी, माशाल्लाह माशाल्लाह प्यारे लोग हैं आप, थैंक यू, आप बड़े प्यार करने वाले हैं, आपकी नज़र बहुत प्यारी है, आप खुद बहुत प्यारे, तो वो तो इसी तरह हैं, वो सबकी नज़र प्यारी है आप पे, तो आप माशाल्लाह ही प्यारे, तो प्यारे ही कहेंगे ना। थैंक यू सो मच, मैनू शमो शमो आ गई, बट साहब ने तारीफ की तो थोड़ी सी शर्म सी आ गई मुझे। माशाल्लाह आपके आस्थाने पे गया हूँ मैं, बड़ी रौनक, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े मरीद हैं आपके, मैंने तो हैरान हो गया हूँ देख के कि आप, ये भी एक आपका रूप है। असल में बट साहब मैं पैसे सिर्फ गाने के लेता हूँ और अपने प्रोग्राम के जो लाइव शो होते हैं उनके, आपने अपनी आंखों से देखा होगा कि रूहानी इलाज में फीस भी लल्ला करता हूं। जी जी जी, ये तो देखा है मैंने, आज बट साहब ने राज खोल ही दिया एक और, तो चलें फिर आपको बताते चलें कि कैंसर, हेपेटाइटिस ए बी सी, शुगर के जितने पेशेंट्स हैं वो हमसे रब्ता करें, हम फीस भी लल्ला दम भी डालते हैं, फीस भी लल्ला मेडिसिन भी देते हैं, हमें सिर्फ अपनी दुआओं में याद रखें, कैंसर ला इलाज नहीं है, आप आएँ। हमारे साथ कॉलर हैं, कॉलर हैं हमारे साथ, देखते हैं कि अगले कॉलर कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम जी, फेसबुक वाला फोन दूर रखे ताकि आपसे गपशप हो सके, फेसबुक वाला जो, मैं राहुल पिंडी से दिलावर बात कर रहा हूँ। अरे दिलावर भाई दी ग्रेट, क्या बात है, मेरी मलंगड़ी बहन के हस्बैंड है ना? हाँ जी बिल्कुल। दिलावर भाई बहुत अच्छा लगा आपकी कॉल आई प्रोग्राम में, बहुत अच्छा लगा। आपको बताऊं बट साहब, दिलावर भाई आपकी तरह ना बड़ी अच्छी ड्रेसिंग करते हैं, बड़ी अच्छी शलवार कमीज और उसके ऊपर वेस्ट कोट, ऐसे लश लगते हैं, बड़ी माशाल्लाह जी, माशाल्लाह अच्छी बात। नाम की भी दिलावर है, काम की भी दिलावर है, ये दुनिया का वाहिद आदमी है जो जबरदस्ती ओल्ड हाउस के लिए कहते हैं कि नहीं ये लगा। आपका इतना सा गरीब सा भाई हूँ, दुआ में याद रखा करे दिलावर भाई, आपका गाना सुना है बहुत अच्छा लगा।
थैंक यू, तभी तो तुम्हें याद आएंगी वो बारे वो समा। क्या बात है, और समा आपके पास गुजरता है वो याद आने लग पड़ा था। क्या बात है दिलावर भाई, आप तो इतने मजे मजे की बातें करते हैं। कितनी खूबसूरत बात की दिलावर भाई ने कि जो वक्त आपके साथ गुजरता है वो हमेशा याद आता है। वो याद आता है, वाह वाह वाह, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। दिलावर भाई बहुत अच्छा लगा आपकी कॉल आई, अगर आप फरमाइश करना चाहें कोई तो हमें अच्छा लगेगा आपकी फरमाइश पूरी। बस आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। फरमाइश कोई नहीं, आप तकरीबन जो भी आप पढ़ेंगे वही, जो आप गाएंगे वही हमारी फरमाइश। बस अगला खूबसूरत गाना मैं आपके और आपकी पूरी फैमिली के लिए, अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी मिसेस के साथ अपने बच्चों के साथ खुश रखे, अल्लाह ताला आपको इतना रिस्क दे, ये हाथ उठा के दुआ कर रहा हूँ कि आप हज और उम्र हज अकबर करें अपनी पूरी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, आमीन, अपनी फैमिली के साथ, आमीन। ये मेरे बड़े लाडले, ये भी जब आते हैं तो हमारे आस्थाने पे बड़ी महफिल जमती है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, ये सिर्फ नाम के नहीं प्यार के भी दिलावर हैं, बड़ी लविंग शख्सियत है हमारी। तो नाजरी दिलावर भाई का ढेर सारा प्यार है, तो दिलावर भाई आपको शो कैसा लग रहा है हमें ये बताएं जी। आपको हमारा शो कैसा लग रहा है आजकल? बच्चे ने बता दिया पीछे से, ये भतीजे भी है ना, वो आपको शो नहीं दिखती है। हाँ, वो कहती है ये छोड़ो मुझे दो मैं बात करूं, है ना, बात करो। नाजरीन हमारे शो की सबसे नन्ही और प्यारी सी कॉलर हैं, ये देखें कॉलर हैं या कॉलर है। हेलो बेटा, क्या हाल है आपका? ठीक है। आपका नाम क्या है? अभी बोल नहीं सकती है, चले इंशाल्लाह। देखिए नाजरीन हमारे लिए, दिलावर भाई हमारे लिए कितने एजाज की बात है कि जो नहीं बोल सकता उसकी भी कॉल आती है हमें। जिन्हों गल नहीं करनी आती वही फकीरा नाल गल करता है। आपका प्यार है ना सर, ये आपका प्यार है। बेशक बेशक दिलावर भाई, आज मुझे बहुत खुशी हुई है आपकी कॉल आई है, तो आपकी पूरी फैमिली के लिए ढेरों दुआएं। मैंने कहा भाई को, वैसे मैंने कहा बिल्कुल नहीं है कि प्रोग्राम में कॉल करके भाई को याद करें और दिलावर भाई, एक्चुअली ये होता है कि लैपटॉप की स्क्रीन जो होती है ना, वो स्टूडियो में उन लोगों की तरफ होती है जो मैजिक मशीन पे बैठे हुए हैं ना, जो ये चार चार कैमरे हैंडल करते हैं, तो वो उनकी तरफ होता है। तो मैसेज मैं घर जाके पढ़ता हूँ, जब मैं फेसबुक पे इसको देखता हूँ ना, तो फिर पढ़ता हूँ कि किस किसने मैसेज किया। तो ये बड़ा अच्छा कि आपने कॉल कर दी, तो मुझे पता भी चला कि दिलावर भाई भी देख रहे हैं। आप लोग देख, देखिए फ़ोन कॉल का एक फ़ायदा ये होता है दिलावर भाई कि हमें एहसास होता है कि वाकई हमें कोई देख भी रहा है ना, तो बहुत अच्छा लगता है जब हमें कोई देख रहा होता। तो नहीं सर, देख भी रहे हैं आप, मजे मजे की बातें। बिल्कुल, और मजे होती है आपकी, बहुत मजे मजे की है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बस आज मैं यही शेयर कर रहा था कि हसद में काले इल्म करके एक दूसरे को, अगर आप लोग किसी पे काला इल्म करते हैं तो वो अपनी आखरत ख़राब करते हैं, उसकी दुनिया तो ख़राब कर देते हैं लेकिन अपनी आखरत बुरे तरीके से ख़राब कर देते हैं। तो इसलिए कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। काश सारे दिलावर भाई आपकी और आपकी मिसेज की तरह, जिस तरह आपकी फैमिली है। दिलावर भाई की फैमिली माशाल्लाह हिजाब, हमारी जो भाभी हैं वो पूरा हिजाब करती है जो शरीयत मोहम्मदी का है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये सारा क्रेडिट अपने शोहरों को जाता है ना। आज मैं दिलावर भाई आपकी वजह से एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए। एक बार बुजुर्ग फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा रो रहे थे मस्जिद नबवी में। अच्छा। तो सारों ने पूछा, तमाम सहाबा ने हिम्मत कहा कि मुझे हिम्मत नहीं हो रही। उन्होंने कहा हज़रत अली आप लाडले हैं रसूल अल्लाह के, आप उनसे पूछें कि इतने ज़ारों कतार क्यों रो रहे हैं ना। तो अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए, वाकई में अगर कोई कमी हो जाती तो अल्लाह माफ़ फरमाए, लेकिन जो मैंने बचपन से सुना मैं आपको गोश गुजार कर रहा हूँ दिलावर भाई। तो हज़रत अली ने कहा कि मैं फ़ातिमा को कहता हूँ, उन्होंने फ़ातिमा से जाकर रिक्वेस्ट की कि आपके बाबा बहुत रो रहे हैं और उनको गशी तारी हो रही है, तो आप उनसे पूछें। तो फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुन अलैह गई मस्जिद नबवी, उनसे पूछा कि बाबा आप क्यों इतना रो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि एक शख्स पर कब्र का अज़ाब है और वो बहुत तकलीफ़ में है ना। तो उन्होंने पूछा कि बाबा उस पे कब्र का अजाब क्यों है। उन्होंने कहा उस वो अपनी बीवी को उरियानी से नहीं रोकता था, वो हिजाब नहीं करती थी, उरियां लिबास पहनती थी, गंदा लिबास पहनकर, जिसे आजकल होता है ना कि जॉर्जेट के पतले कपड़े पहन के बाजारों में जाना। तो बड़ी माजरत के साथ उन बहनों बेटियों से जो इस तरह के लिबास पहनती हैं, हम मुसलमान हैं, तो उस पे अजाब नहीं ख़त्म हो रहा था, उसके लिए रसूल अल्लाह रो रहे थे। तो कितने धनी हैं, कितने खुश नसीब हैं आप लोग, जिसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मिसेज भी और आपकी भी मिसेज, मेरी भाभी मेरी बहन, अल्लाह उनके शर्म पर्दे कायम रखे जो बुरके, और आपकी बेटी भी, मैं छोटी सी बच्ची इनकी भी बहुत छोटी है, तो वो भी बकायदा हिजाब में आती है। तो ये सारा क्रेडिट दिलावर भाई आपको जाता है। बड़ी बात है जी, बड़ी बात घर के मर्द को, बच्चों को आपने ये हिदायत
بالکل بچپن سے ہی ہدایت دیتا ہے بندہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہوئی ہے بے شک. اللہ مزید ہمارے اندر کل غلطیاں کوتاہیاں خامیاں اللہ پاک وہ بھی ہم سے دور کرے. آمین آمین شامل کرے. آمین. بہت اچھا لگتا ہے. اور یہ بھی ہماری خوشی ہے کہ آپ جیسے نیک بندہ